بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Yes, so we'll have Mr. Rahat with us. Rahat साहब जो हैं वो माशाल्लाह काफी सालों से काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में पले बड़े हैं और यूके से ग्रेजुएशन करके फिर दोबारा सऊदी अरब में काम किया और अब दुबई में हैं. तो माशाल्लाह ही इज फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और ये ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, यू नेम इट, और काफी ज्यादा चीजों में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और लीड कर रहे हैं अपनी टीम को. तो आज ये हमें लीड करेंगे इंशाल्लाह टुवर्ड्स ग्राफिक डिजाइनिंग. और ओवर टू यू राहत, प्लीज कंटिन्यू. अच्छा, आप अनम्यूट कर लें. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम. तो आई होप एवरीवन इज लिसनिंग टू मी। और एक साइड पे जो है वो आपका चैट बॉक्स भी खुला हुआ है, सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन वॉइस और समथिंग यू गाइस कैन टेल हियर। जी ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और कुछ और जब होंगे तो चैट में पूछ लेंगे. मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ, ठीक है, एंड देन यू कैरी ऑन विद योर सेशन. आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और लेट्स कैरी ऑन, ठीक है. ठीक है, और ठीक ये है, सेशन ओके, हमारे क्योंकि उर्दू में हो रहा है तो जस्ट रिमाइंडिंग यू, ठीक है. ऑल राइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इनिशियली मुझे ये बताया गया है कि अब डेफिनेटली मुझे आप लोगों का ओवरव्यू तो इतना खास है नहीं कि कौन कौन जो है वो किस कैलिबर में इस वक्त है। और मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि एक मेन टूल जिसको हम यूज करते हैं डिजाइनिंग में, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। हम लोग एडवर्टाइजिंग फील्ड से हम लोगों का ताल्लुक है, और एडवर्टाइजिंग फील्ड में मार्केटिंग का, सेल्स का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जब आप मार्केटिंग में बात करते हो तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। सो नाउ डेज चूंकि ये सोशल मीडिया है सारा कुछ, इट्स अ सोशल मार्केट, तो आपको कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है, कोई भी चीज़ एड लगाना है, सेल करनी है, लोगों से मेल मिलाप है, वट एवर इट इज़, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। सो सोशल मीडिया के थ्रू होता है तो इसका मतलब कि आप फिजिकली किसी को दिख नहीं रहे हैं, और जो दिख रहा है दैट इज समथिंग विच यू गाइज आर गोना डिज़ाइन, जो कि आप डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो एक फ्लायर की शक्ल में है, या वो एक ईमेल की शक्ल में है, या वो कोई वेबसाइट है, वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑडियो वीडियो पिक्चर्स व्हाटएवर। तो हम लोगों को उसूलन तो ये चीज़ यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी कि हम आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, लेकिन हम किसी और दिन ये सेशन रख सकते हैं कि हम किन किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं और हमें किन किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। दिस इज समथिंग ताकि आप उसी के जो है मुताबिक अपने आप को तैयार करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोई ऑडियो ऑडियो विजुअल्स में अपने आप को प्रमोट करना चाहता है या कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है तो डेफिनेटली वो उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेगा जिसमें इंस्टाग्राम्स है या आजकल टिकटॉक है या यूट्यूब है, और कॉरपोरेट के लिए डेफिनेटली लिंक्डइन वगैरह हैं, तो उस उसमें अपने आप को तैयार करेगा। और अगर कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसी कैंपेनिंग कर रहा है, जैसे मास मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, आप ईमेल्स करते हो, आप फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो या इलेक्ट्रॉनिकली, या आप लोगों को रीच आउट करते हो, शार्ट आउट करते हो, तो उसके लिए हम अपने डिज़ाइनिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर द टाइम बींग आज के सेशन में हम एम्फसाइज करेंगे डिज़ाइनिंग टूल को, और डिजाइनिंग टूल के अंदर एक ही टूल ऐसा है जिसको फिलहाल आज हम गो थ्रू करेंगे। इस तरह तो आप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे अडोब है, एक्रोबैट है, इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, कोरल है, इस तरह के बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम एक दिन में या एक सिटिंग में कवर अप नहीं कर सकते। और इनफैक्ट आप हम जिसको कवर अप करना चाह रहे हैं वो है कोरल, कोरल ड्रॉ, तो हम इसको भी एक दिन में कवर अप नहीं करना चाहें नहीं कर सकते। लेकिन एनी हाउ हम एक गो थ्रू ले लेंगे जिसके अंदर एटलीस्ट आप अगर
इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसे टिप्स होंगे कि आप उसको अपने फ्लायर्स में या किसी भी ऐसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकेंगे। अगेन, आपको डिज़ाइनिंग टूल सिखाए जा सकते हैं, आपको डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स भी सिखाए जा सकते हैं, आपको क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जा सकती। किसी भी इंसान को ड्राइविंग सिखाई जा सकती है, लेकिन उसका ड्राइविंग चलाने का डर है या जो भी है, वो किस तरह कितने फ्रीक्वेंटली कितने कॉन्फिडेंटली चलाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। सो आपको क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जा सकती, आपको टूल्स सिखाए जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे ये पता चल जाए चैट रूम के अंदर कि क्या आप सब लोगों के पास कोरल ड्रॉ है, नो, एक के पास नहीं है, और नो 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 नो, जबरदस्त, आप लोग तो बड़े फुली इक्विप्ड आए माशाल्लाह। अच्छा, इसको एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ राहत साहब, कि ये लोग जो है, क्योंकि स्टार्टर्स हैं, तो अभी ये जो वीडियो है इस पे इनको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, और बाद में लेट ऑन टूल्स भी इंस्टॉल करके उसे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन होगा तो बैक एंड फोर्थ भी इसको गो थ्रू करेंगे, और बेसिकली जो ना अभी यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग इनको मिल जाए, बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक है, राइट देखो, अभी अगेन एक और सेशन बाद में कभी कभी कोई टाइम निकला या उसमें हम ये देख लेंगे कि इन हर किसी बंदे की एक अपनी एबिलिटी है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है, आया इस चीज़ की उसको ज़रूरत है या नहीं है। बट एनी हाउ, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, एंड अगेन आप लोग जो है वो मुझे चैट में बता सकते हैं। जी, आपके सामने एक स्क्रीन आ गई, और कोई एक बंदा भी मुझे यस और नो कर सकता है। यस सर, ठीक है, देखें मैं आपको मेन मेन टूल्स जो है ना, मैं इसके बताता हूँ। ये एक कोरल ड्रॉ है, नॉर्मली इस सॉफ्टवेयर का यूज अलाइनमेंट्स के लिए यूज होता है, ये ग्रेडियंट्स के लिए यूज नहीं होता। ग्रेडियंट्स का मतलब है कि जब आप क्रिएटिव डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का यूज ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि आप लोग बेसिक्स पे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को कोई ऐसा टूल मिल जाए जिससे आप एक क्विकी फ्लायर बना सकें, आप क्विकली कोई ऐसा काम कर सकें जिसको आप पोस्ट कर सकें, ब्रॉडकास्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सॉफ्टवेयर। इफ यू कैन जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, तो हो गया। अनस ये अरे देखिए। सुनो ना, अपनी कार चल ली अच्छा तो जी, इनको देखिए ये साइड के जो ना टूल्स हैं अपनी सारे, फोटो में ऐसे इन्हीं करके टूल्स का तुम्हारे हम लोगों ने पैर मेनली इस्तेमाल में करना तो होता है। मुझे आती किसी तो आई पानी आवाज आ रही है। है, इफ यू गाइस कैन, ओके म्यूट हो गया, ठीक है। राइट, अब देखें ये सारे जो आपके लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं ना, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई ना कोई फ्लायर बनाना है। इसका जो हम स्टार्टअप जहाँ से करते हैं, वो जैसे कंट्रोल न्यू करके आपने ओपन कर लिया, विच इज अ नॉर्मल कमांड, वो हर किसी तकरीबन मेनली जो है वो इसी तरह यूज होता है। कंट्रोल एन करेंगे तो एक नई फाइल खुल जाएगी। राइट, अब इस फाइल के यहाँ पे आपको साइजेस मिलते हैं आपके, जो जैसे A5 है, A4 है, कस्टम है, लेटर साइज है, A3, A6, A5, या ऑल थ्रू आउट, आप इसमें बहुत सारे ऐसे साइजेस हैं जो प्रिंटिंग की फील्ड में यूज होते हैं, जिसके अंदर वेब पेजेस, वेब बैनर्स, एनवलप्स हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ एनवलप्स हैं, बिजनेस कार्ड्स है, हाफ लेटर है, तो ये टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपके सारे साइजेस हैं जो आपने यहाँ से, टॉप लेफ्ट में आपको ये एक मिलेगा कॉलम जिसमें आपके ये सारे साइजेस आ जाएंगे, इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको A4 सेलेक्ट किया, A4 चूंकि कॉमन एक साइज है जो हर किसी को समझ आता है। A4 एक पेपर है जो हम जो प्रिंटर में आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, लेकिन नॉर्मली हम जो डिजाइन बनाते हैं वो A4 में नहीं, वो A5 में बनाते हैं, वो इससे छोटा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A4 A5 इज, A4 A5 का डबल होता है और A3 साइज A4 का डबल होता है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आपका इसके साथ ताल्लुक नहीं है,
आप अपने आपको जो डिजाइन का जो साइज चाहिए उसी साइज का आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं उर्दू में थोड़ा सा जरा ऊपर नीचे हो जाता हूँ एनी हाउ, लेकिन आई होप इंशाल्लाह यू गाइस विल गेट इट। तो अगर आप अपना कोई कस्टम साइज चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमने रेडीमेड साइजेस हैं जो मैंने आपको बताया, और इसके साथ ये दो लिखे हुए हैं। अगर आपको अपना कोई साइज देना है, यहाँ पे आप अपने साइज का रख सकते हैं कि आपको साइजेस इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, फीट्स में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, किसी भी चीज में अगर आप चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 सेंटी बाय 20 सेंटी, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल स्क्वायर की बेस आ गई आपके पास। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक स्क्वायर साइज आ गया, क्योंकि हमने 20 बाय 20 सेंटी। ठीक है, वैसे तो आपको याद रखना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जब आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि साइजेस होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल जो A4 पेज है वो होता है 21 सेंटी बाय 29.7 सेंटी। तो ये देखें, ये एक A4 पेज आ गया। ये देखें, यहाँ पे आपको A4 नजर भी आ जाएगा। यानी तो जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आपको साइजेस का अंदाजा होता जाएगा। राइट, सो फर्स्ट थिंग वॉज, सो मैं यहाँ पे साथ साथ आपके लिए लिखता भी जाता हूँ कि नंबर वन क्या है कि सिलेक्टिंग योर साइजेस। ठीक है ना, इट कैन बी रेडीमेड एज वेल, ठीक है, एंड इट कैन बी कस्टमाइज एज वेल। ठीक है जी, आई होप एवरीवन गॉट दिस वन। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बिल्कुल नंबर वन ये है, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि हमें किसी चीज को डिजाइन करना है तो उस चीज का साइज क्या है। अगर मैं वेबसाइट के लिए कुछ डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका पर्टिकुलर साइज होगा कि मैंने इस साइज के अंदर कुछ डिजाइन करना है। अगर मैं कोई बुक डिजाइन कर रहा हूँ तो उसका मेरे पास साइज होगा। अगर मैं कोई पंफलेट डिजाइन कर रहा हूँ, मैं कोई ई फ्लायर डिजाइन कर रहा हूँ, कोई प्रोफाइल डिजाइन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आपको पता हो कि आपका साइज क्या है। सो आई होप अगर आप मुझे लिख के बता सकें कि इज दिस इजी, आप लोगों को समझ आई कि साइजेस आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यस 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 जी, यस, ओके ग्रेट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कि सारे लोग उठे हुए हैं, सोया हुआ कोई नहीं, जबरदस्त। अब देखिए हमारे पास जो मेन टूल्स हैं जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये देखें, ये स्क्वायर टूल है, आपने स्क्वायर बनाना है, इसको क्लिक करें, खींचे स्क्वायर बना लें, खींचे स्क्वायर बना लें, तो ये एक स्क्वायर टूल है। इसी के अंदर हमारे पास राउंड टूल है, इसी के अंदर हमारे पास हेक्सागोनल टूल है, और ये टूल्स यानी कि जो आप यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब आप कोई भी टेबल बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ये फ्री हैंड खींच लिया, टेबल बना लिया, ठीक है, पर आपको टेबल का सा, अब यहाँ पे जब आप वापस जाएंगे तो आपके पास दो चीजें आ रही हैं। देखेंगे जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको बाहर का साइज मिल रहा है, ये A4 का साइज है। जब आप किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास उसका साइज यहाँ आ जाएगा, जहाँ पे A4 का साइज आ रहा था यहाँ पे, वहां किसी भी चीज पे क्लिक करोगे तो उसका साइज आ जाएगा। राइट, तो अब इसका साइज अगर आप चेंज करना चाहो, यानी मैं इसको 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर करना चाहूँ, तो ये देखें ये हो गया। अगेन मैं एक चीज भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे ये लॉक है ना, ये लॉक, ये प्रोपोर्शनैलिटी का लॉक है, यानी इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, आप अभी समझ नहीं पाओगे, बस इसको अनलॉक रखना है, इसको अनलॉक रखना है। अनलॉक रखेंगे तो आप अपनी मर्जी से 15 बाय 5 का, ये 155 कर दिया, 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, देखिए ये साइज आ गया। राइट, हमारे अब साइज क्या है, ये पेपर का साइज है, किसी भी चीज पे मैं अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये उसका साइज आ जाएगा, ये 15 बाय 5 सेंटीमीटर। अगर देखिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अगर लॉक रखेंगे तो साइज नहीं चेंज होगा, नहीं देखें साइज चेंज होगा इसका, मैं वैसे चलें अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ए है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, ये आपको समझ आ गई, ठीक है, ये ए है, इस लॉक की मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये लॉक किस लिए लगाया गया। अगर ये ए है, ये अनलॉक है, यहाँ से अनलॉक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये 5 बाय
3 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये देखिए, इसने अपनी शेप स्ट्रेच कर दी, पिचका दी, राइट। इसकी शेप खराब हो गई क्योंकि ये मैंने चॉइस किया था, चूज किया था, सॉरी। तो ये इस पे आ गया। अच्छा, अगर लेट सपोज हम इसको लॉक करते हैं, तो अब मैं इसकी कोई भी साइज चेंज करूंगा, ये प्रोपोर्शनल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ 3 करूंगा ना, तो इसकी शेप खराब नहीं होगी, ये इक्वली छोटा होगा। अगर मैं इधर 5 करता हूँ, तो ये इक्वली बड़ा होगा, यानी ये पिचकेगा नहीं, ये स्क्वीज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये आप ए को साइड पे रख दें, ये वापस लेके आते हैं, ये देखिए अभी हमारे पास 15x5 है, लॉक है, ठीक है। अगर लॉक है तो इसका मतलब ये इक्वली छोटा होगा, राइट लेफ्ट हाइट विड्थ सब सब साइडों से। इसका मतलब अभी हम इसको 10 सेंटी करेंगे, तो इक्वली प्रोपोर्शनैलिटी इसको 3.33 की मिलती है, वो इक्वली छोटा करेगा। अगर मैं ये लॉक खोल दूंगा, तो अब मैं अपनी मर्जी से इसको 15x3 भी कर सकता हूँ, लेकिन ये अपनी शेप चेंज करेगा। मीन्स वन वी लॉक, सो एक्स एंड वाई पोजिशन साइज चेंज होंगे, बिल्कुल साइज चेंज होंगे। अब जब आप लॉक करेंगे ना, जब आप लॉक करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी उसकी बराबर रहेगी, यानी वो अपना अपनी उस शेप को चेंज नहीं करेगा, वो इक्वली बड़ा होगा राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से, और इक्वली छोटा होगा राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से। ओके, ये हो गया आपके साइजेस। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे एक राउंड ले लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये मैंने एक राउंड ले लिया, ठीक है। अब इस राउंड को, राउंड का मतलब होता है कि उसका राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम सारे इक्वली होने चाहिए ना। तो अभी अभी ये राउंड नहीं है, अभी ये क्या शेप है, अभी ये ओवल शेप है, ऐसा ही है। तो अगर हमने इसको राउंड करना है, तो दो तरीके, इसको हम कोई भी साइज दे देते हैं, देखिए बिल्कुल राउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसकी शेप ओवल ही रखनी है, लेकिन इसको छोटा करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लॉक कर दूंगा। अब ये इक्वली छोटा होगा, देखो ये बिल्कुल राउंड नहीं होगा, ये रहेगा ओवल ही, लेकिन इक्वली छोटा हुआ, ठीक है। हम लॉक खोल देते हैं, और वापस 10x10 इसको, आपके पास एग्जैक्ट एक राउंड फिगर आ गई। ये सारी फिगर्स, जितनी भी शेप्स हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको लेफ्ट उससे मिलेंगी। इसमें बहुत सी शेप हैं, आपको डिग आउट भी करना पड़ेगा। इसमें हेक्सागोनल है, स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार है, इस तरह की, जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि जी फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं किसी चीज में, बिगिनर शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स आती हैं, जैसे कोई आपने सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसी शेप बनानी हो, तो ये ऑलरेडी प्री मेड आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, इस मेन्यू के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया जी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप लोगों में से कोई भी आई ये बताए कि आप आज क्या बनाना चाहते हो, तो मैं उसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसका समझ भी आ जाए कि आप आज क्या बनाना चाहते हो जो कि जल्दी बन जाए, क्विकी। पोस्टर टू अनाउंस अ स्मॉल इवेंट, विजिटिंग कार्ड, राइट। ओके, कार्ड, आई सपोज दैट्स अ विजिटिंग कार्ड, ओके, ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड ही लेते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद अ बिजनेस कार्ड, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे तो चूंकि याद है, लेकिन आप लोगों को भी याद होना ही चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको। वेडिंग कार्ड, अदनान भाई कहते हैं कि हमें वेडिंग कार्ड चाहिए। ना भाई, उसका थोड़ा सा आपको वक्त करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कोई बेहतर मिलेगा तो हम वेडिंग कार्ड भी बनाएंगे। सो लेट्स गो अहेड। देखिए, बिजनेस कार्ड का साइज, नॉर्मल साइज क्या होता है जो यूज होता है, वो है 9x5, ये एक विजिटिंग कार्ड का साइज है, ठीक है। कुछ लोग इसको 5.5 भी करते हैं, वो डिपेंड्स। ये देखें, ये 5.5 भी आता है, आई होप कि शायद यहाँ पर भी आपको बिजनेस कार्ड्स का, ये देखें बिजनेस कार्ड आ गया। अब इसने, इसको डिलीट करते हैं, हम इसने इंच में दिया ना, तो इंच को हम सेंटीमीटर में करें, तो इसने 8.89x5 दिया, जबकि मैंने, हम लोग यहाँ जो डिजाइन करते हैं वो है हमारे पास 9x5,
इसमें हम लोग डिजाइन करते हैं। इससे डेफिनेटली फर्क कोई नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि लोग बिजनेस कार्ड्स जो होते हैं वो छोटे इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ बिजनेस कार्ड्स देखता हूँ जो मैं आपको शो कर सकूँ। देखें जो बिजनेस डिफरेंट साइजेस के होते हैं कुछ। आर यू गाइस एबल टू लुक एट मी? आप लोगों को मेरी तस्वीर और स्क्रीन के साथ नजर आ रही है? जी, जबरदस्त। ऑलराइट, ठीक है। ये देखिए, ये बिजनेस बिजनेस कार्ड है जो कि 9x5 है। ये है, ये 9.5 9x5.5 है। इसके अलावा ये है जो 9x4 है। सो इससे कोई एज सच को इतना खास फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने बिजनेस कार्ड को क्विकली डिजाइन कैसे करना है। सही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप अगर यहाँ आ जाइए, अब हमने ये तय किया कि हम 9x5 यानी कि 9 सेंटीमीटर जो कि इसकी विड्थ है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो कि इसकी हाइट है, इसमें डिजाइन करेंगे। ओके, याद रखें बिजनेस कार्ड हो, फ्लायर हो, बुक हो, वेब कार्ड हो, किसी भी किस्म का कोई भी चीज जो आप डिजाइन करने हैं उसमें आपने एक इक्वल मार्जिन सेट करनी है। यानी अगर आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, ये आ गया। ओके, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपके एक्चुअल साइज के ऊपर आ जाएगा। समझ आई? मतलब ये फिर से डिलीट कर, अभी हमने बैकग्राउंड का साइज क्या रखा है, 9x5, विच इज अ बिजनेस कार्ड, राइट। अगर आप स्क्वेयर के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये एग्जैक्टली वो आपको एक बॉक्स दे देगा। ठीक हो गया भाई? अभी हमने क्या करना है, अगर हम यहीं से सब कुछ करना शुरू हो गए तो हमारा बिजनेस कार्ड अच्छा नहीं होगा। हमें इसको राइट लेफ्ट टॉप बॉटम एक मार्जिन देनी है। अच्छा, अब आप ऑप्शंस को लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। कंट्रोल डी, CTRL D, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करेगा, किसी भी चीज के ऊपर जब आप कंट्रोल डी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है जी, ये उसका डुप्लीकेट बना देगा। ओके, राइट हो गया, सही है। हम इधर साथ साथ लिखते हैं ताकि हमें याद भी रहे। कंट्रोल डी ये है, सॉरी, डुप्लीकेट के लिए। सही है, कुछ कीज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उनकी उन कीज में मैं आपको बताता हूं। P C E R L T B, ओहो ज्यादा कीज हो गई। एनी हाउ, अब देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि ये कीज जो है हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसी को लेके, ये आपकी कहीं भी रखा हो ना, जब आप P दबाएंगे, P, तो ये क्या होगा, ये कोई भी चीज जिसको पी दबाया जाएगा वो आपके आर्टवर्क के सेंटर में आ जाएगी, सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, सेंटर अलाइन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कार्ड के अंदर एक कोई भी ऐसी, नहीं, विद कंट्रोल नहीं करना, विद, मैंने इसके साथ कंट्रोल नहीं लिखा ना, तो विद कंट्रोल नहीं करना। जैसे मैं कोई भी चीज इस पे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं दबाऊंगा, सिर्फ पी दबाऊंगा, ये देखें वो सेंटर में आ गया। सही हो गया जी, ये जापान का नक्शा बन गया इधर, ठीक है। इसको कहीं भी आप रख लें, जब किसी भी चीज को आपको सेंटर में लाना होगा तो आप पी दबाएंगे तो वो सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज है सी। सी क्या है कि दो चीजों को आपने सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू के सेंटर में चली जाए, तो मैं दबाऊंगा सी। देखा आपने, ये सी में आ गया ना, सी इज फॉर सेंटर। लेकिन पी क्या था कि वो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में चला जाएगा। अभी हमने दो चीजों को सेंटर करना है ना, तो मैंने इसको किसके सेंटर में करना है, देखें इसके, तो ये सी दबाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा।
अगर मैंने इसको इस टेक्स्ट के सेंटर में करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए इसके सेंटर में आ गया। यू गॉट द पॉइंट? आप लोगों को समझ आया इसका? ठीक हो गया। अब देखें, अब आया अगला हमारे पास ई। तो ई क्या करेगा? ई भी क्या है, हाउ टू सेलेक्ट, एक बार फिर बता दें। ओके, ये देखें, ये आपने सेलेक्ट किया डॉट। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि इसको मैं सेंटर अलाइन करूं, पर किसके सेंटर अलाइन करूं? तो पहला हमने जो सेलेक्ट करना है वो है डॉट, और किसके सेंटर अलाइन करना है? इस बॉक्स के। तो मैं सी दबाऊंगा, ये देखें, ये उसके सेंटर अलाइन में आ गया। गॉट इट जी? अगर मैं चाहूं कि किसी और चीज के सेंटर में चला जाए, फॉर एग्जाम्पल इसके, तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा क्या है? ई। अच्छा ई क्या करेगा? मैं चाहता हूं कि ये इस डब्बे के इक्वल हो जाए, हॉरिजेंटली इक्वल हो जाए। तो देखिए मैंने ई करा, तो मैं साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं, था क्या हो? ठीक हो गया, हॉरिजेंटल। अभी एक मजे की चीज आपको ये आएगी। अभी मैं ये जो है, अब मैं चाहता हूं, या मैं पी दबाऊंगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। ओके, अगर दूसरी ऑप्शन मैं दबाऊं कि मैं इसको इसके, तो अब मैं क्या करूंगा? सी दबाऊंगा और ई दबाऊंगा। तो ये दो डायरेक्शन में हमें आ गया, एक उसने हॉरिजेंटली उसको सेंटर अलाइन किया, और एक वर्टिकली सेंटर लाइन किया। राइट हो गया जी। ये सी इसके लिए है, ई इसके लिए है, हॉरिजेंटल के लिए। तो ये क्विक आपके पास जो है वो क्विक टूल्स हैं, जो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आर। आर इज फॉर राइट, एल इज फॉर लेफ्ट, टी इज फॉर टॉप, बी इज फॉर बॉटम। ये हॉरिजेंटल कैसे हुआ? इक्वल इक्वली एक डायरेक्ट पी से क्यों नहीं किया? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें, अब हम करते क्या है आपके क्वेश्चन के लिए, हम क्या करते हैं, अब मुझे किसके सेंटर में करना है इसको, इसके या इसके, मुझे देखना है ना। तो ये टू प्रोडक्ट्स, अगर मैं वैसे सेंटर करना चाहूं तो ये पी दबाऊंगा तो ये इधर आएगा। आप कहीं भी इसको ले जाओगे, मैं पी दबाऊंगा ये इधर ही आएगा, इधर नहीं आएगा। आप इसको ले जाएं, पी दबाएं, ये देखें इधर आया, बिल्कुल मैं तो इधर लाना चाह रहा हूँ। राइट, उस सूरत में मैं क्या करूंगा? इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ आए, तो मैं क्या करूंगा? सी ई। अब्दुल्ला, आपको अभी समझ में आया? तो ये दो चीजों को आपस में वो करने के लिए है, जो पी है ना, पी वो पेज का सेंटर लाइन करने के लिए है। राइट हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुदस्सर। ओके, अच्छा आर आपका हो गया राइट अलाइन, ये हो गया लेफ्ट अलाइन, फिर आगे हो गया टॉप, और फिर आगे है बॉटम। ठीक है, करके दिखाएं इसको। ये हो गया आपका, अभी मुझे इसको राइट करूंगा, तो ये देखें ये राइट अलाइन हो गया, ये बिल्कुल उसके बराबर, देखें राइट अलाइन हो गया। ठीक है, इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो एल दबाऊंगा तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके टॉप पे रखना है, टी कर दूंगा, वो टॉप पे चला गया। ओके, इसको बी दबाऊंगा तो बॉटम में चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड। तो ये आप कॉपी कर लें, ये वाला, कि ये टूल्स आपने अपने हाथ में हर वक्त आपके हाथ में होने चाहिए। राइट, तो अब हम कहाँ से शुरू किया था हमने? बिजनेस कार्ड पे थे हम। ठीक है जी, बिजनेस कार्ड पे आ गए। अब मैं बिजनेस कार्ड पे ये चाहता हूँ
मैं आपसे ये कहा था कि बिजनेस कार्ड में आप और या किसी भी ऐसी चीज में जो आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट बिजनेस कार्ड है ना, तो आपको एक एक सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए। यानी हम इस बॉक्स को, हमारे बिजनेस कार्ड का साइज है 9x5, 9x5, और हम चाहते हैं कि जो मैं इसको मार्जिन दूं वो हो जाए 9x4। ये आप देख रहे हैं, ये इसके सेंटर में एक चला गया, इसके राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम, इसके सब पे एक वो आ गई, मार्जिन आ गई, राइट भी लेफ्ट भी टॉप भी बॉटम भी। अभी देखिए, अगर मैं लोगो जो है ना, किसी भी कंपनी का लोगो यहां लगा देता ना, तो जब प्रिंट होता तो वो प्रिंट ही नहीं होता, वो कटिंग में चला जाता। तो हम बजाय इसके कि हम यहां लगाए हैं फिर अलाइन करें, तो ये देखें, हमें हमारे लिए ये मार्जिन आ गई कि हमने इस मार्जिन पे काम करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लोगो है, तो कोई मुझे बता सकता है मैंने इसके टॉप पे लगाना है इधर, तो मैं क्या करूं बगैर खींचे बगैर कुछ किए? प्रस्ती प्रस्ती, आप टी में सारे लोग ठीक हो, ये देखो, लेकिन लोगो पे क्लिक करके टी करना किसको है? लोगो को कहाँ किस में सेट करना है? इसमें सेट करना है आपको ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया TL, तो TL वाले सारे जो हैं वो ठीक थे, बाकी CT वाले सारे जो हैं वो नो प्रॉब्लम, विल ट्राई इट अगेन सम टाइम। तो आपने देखा लोगो कहाँ चला गया? सी, ये देखें, इसको सेलेक्ट किया, अब हमें चाहिए टॉप और लेफ्ट पे लोगो चला गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल डी करके मैंने डुप्लीकेट किया और इसमें लिखा नेम, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाए, अभी तो हम पेज के ही सेंटर में चला जाए, क्योंकि पेज तो ऑलरेडी बिजनेस कार्ड के साइज का है ना, तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में चला जाए नाम, तो हम क्या दबाएंगे? CE, देखो CE तब दबाएंगे। हाँ, आप सब लोग ठीक हो वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लग रहा है कि तुम लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके सीख रहे हो, इट्स वेरी नाइस। देखें, अगर आप, हाँ, आप P दबाएंगे, CE तब दबाएंगे जब हमें ये डिब्बा कहीं और पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो हमें पेज के सेंटर में लेके जाना है, ये देखें P दबाएंगे, ठीक है। ये देखें P दबाया मैंने वापस, ये P दबाया वापस, अगर ये कहीं और पड़ा होता तो मैं इसको CE कर लेता, लेकिन अभी तो मुझे ये पेज के सेंटर में ही चाहिए ना, तो अब्दुल्ला सेंटर में आ गया, ठीक है। अब्दुल्ला की जो है डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अल्लाह का बंदा, सही है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से साइज जो है छोटा कर लेते हैं, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको इसके सेंटर कर दूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सी दबाऊँगा, ऐसे ही है। राइट, अच्छा, एक और चीज़ अब साथ में अपने इसमें लिख लो, ये पता था, अल्लाह का बंदा पता था, ओके ग्रेट। अच्छा, इसके साथ आप कुछ और ऐड कर लीजिए, वो है कंट्रोल G और कंट्रोल यू, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल जी किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी चीज को आपस में ग्रुप करना हो और किसी भी चीज को आपस में अनग्रुप करना हो, राइट। फरहीन, हम आप आपके जो फ्रेंड्स बैठे हैं ना, आपने चूंकि स्टार्ट से नहीं किया, कोई ऐसा मसला नहीं, हमने अभी कुछ किया भी नहीं, बस ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं ना, तो ये जो कंट्रोल जी है दैट इज फॉर ग्रुप, और कंट्रोल यू है अनग्रुप। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है ना अब्दुल्ला और इसको पहले क्या किया, मैंने सेंटर लाइन कर लिया, यानी कि दोनों सेंटर में है। अब मैं इसको कंट्रोल जी दबाता हूँ, सही है, तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया, यानी मैं अगर इसको उठा के कहीं और भी रखूंगा तो ये एज अ ग्रुप कहीं जाएगा,
आप समझ रहे हैं? हाँ, अब सात मूव होंगे। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर देते हैं और कंट्रोल यू से अनग्रुप करते हैं, यानी किसी चीज को हमने अनग्रुप करना है तो वो भी हो। अब इस पूरे ग्रुप को हमने पी दबाया तो ये इसमें आ गया, राइट? तो अभी तक हमारे पास ये कमांड्स, कंट्रोल जी, कंट्रोल यू और ये सारी कमांड्स हमने की, राइट? मैं कुछ शेयर करता हूं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? टॉप राइट पे ले जाने के लिए टॉप TR, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखिए, अच्छा एक और कमांड आप उसमें लिख दें। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम कमांड्स लिखते जाएंगे। Z विच इज Z, दैट इज कंट्रोल, देखें ये जो Z है ना, ये है जूम के लिए, ठीक है? ये कमांड्स आप लिखते रहें सारे, क्योंकि मैं सेव नहीं करूंगा, आप लोग सेव कर लेंगे। अच्छा जूम करने के लिए ना कंट्रोल नहीं दबाना, सिर्फ आपने फ्री हैंड कर लिया, यानी कि कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है। आप जेड दबाएंगे तो आपके पास ये जूम, वो ये जूम करने के लिए एक टूल आ जाएगा, ठीक है? आप क्लिक करें और उसको ड्रैग करें जो आपने जूम करना है, तो ये जूम हो गया। कंट्रोल प्लस एन क्या था? कंट्रोल प्लस एन तो हमने नहीं किया अभी तक। एंड जूम आउट, ये स्क्रोल डाउन के साथ है। ये देखिए, ये आपने इधर से ड्रैग किया तो ये जूम हो गया। अब आपको जूम आउट करना है, स्क्रोल अप स्क्रोल, ये माउस के साथ स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन कर सकते हैं। पर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने माउस के साथ यहाँ स्क्रोल डाउन कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हमें पता, मुझे यहाँ पे करना है तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको जेड को दबा के इसको ड्रैग करूंगा तो ये एग्जैक्ट वही उस साइड पर जाके जूम हो जाएगा। जूम आउट स्क्रोल आउट करो, आप इसको जूम आउट हो जाओगे, राइट? अच्छा मैं आपको ये दिखा रहा था कि देखें, ये आ गया हमारे पास एक A4 पेज मैं डिजाइन कर रहा था, ठीक है? तो ये A4 पेज पे देखें मैंने क्या किया कि अपकमिंग्स जो हैं, ये देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट ये अपकमिंग्स रख दी, ये देखें ये मैंने सारी अलाइनमेंट्स की हुई हैं इसके अंदर। एक्सक्यूज मी, प्रोफाइल में हमने ये सारी अलाइनमेंट्स की हुई हैं। अच्छा मैं करता क्या हूँ कि सारी अलाइनमेंट्स करके फिर उनका ग्रुप बना लेता हूँ, ताकि अगर गलती से वो हिल भी जाएं तो वो इकट्ठे ही हिलें, वो आप फिर मुझे उनकी पूरी पूरी अलाइनमेंट्स ना करनी पड़े। तो इसका पूरे का मैंने ग्रुप बनवा दिया। अगर मैंने इसको अनग्रुप करना है, यानी सिर्फ इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? कंट्रोल यू, जबरदस्त, ये देखें ये मैंने कंट्रोल यू किया तो ये अनग्रुप हो गया। अब ये एक चीज मैं अलग अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? जेड फॉर जूम, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ तो ये मेरे सामने आ जाएगा, राइट? लेकिन मैं इसको वापस इन सब चीजों को पकड़ के कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देता हूँ, ओके? इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोफाइल व्हाट आई वाज जस्ट चेंजिंग। तो उसमें ये देखें आपके पास, अच्छा जब आप एक और चीज ऐड कर लें, ओके इसमें, ओके ये है F4, ये है फुल व्यू के लिए, ठीक है? फुल व्यू के लिए, फॉर एग्जांपल मैं F4 दबाया तो जितना कुछ भी हमारा सारा कुछ है डिजाइन, वो सारा फुल व्यू में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक प्रोफाइल है जो मैं A4 के अंदर डेवलप कर रहा हूँ। देखें A4 है, साइज है A4, और ये है आपकी ओरिएंटेशन, ये हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन है, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है, यानी ये ऐसे भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है?
लैंडस्केप भी बना सकते हैं और पोर्ट्रेट स्टाइल भी बना सकते हैं। ओके, अब मैं ये सारा कुछ पूरी स्क्रीन में देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, F4, मैंने अभी आपको बताया फुल व्यू, ये देखिए मेरा फुल व्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसी तरह लैंडस्केप के ऊपर ही, ये मुझे लग रहा है कि देखें कंट्रोल जी कर लूं, एस को ग्रुप कर लूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी ऊपर की और नीचे की स्पेस इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके ई दबाऊंगा तो वो इक्वालिटी में आ जाएगा, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है, राइट? ओके, उसके बाद व्हाट वी डू और व्हाट सो एवर, ये तो भी बड़ी बेसिक है जो हम पुरानी हमने बनाई हुई है, उस पर काम कर रहे हैं, आवर अपकमिंग्स। तो गोइंग बैक टू योर पॉइंट, आपके पास आज आया, इसकी प्लेसमेंट, किसी भी चीज की प्लेसमेंट, अब मैं आपको वैसे एक प्लेसमेंट भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए एक इजी हो जाए, कंट्रोल सी। मेरे ख्याल से जो बेसिक टूल है वो तो आपको पता ही है, वो तो वर्ड वगैरह में भी उसी चीज के लिए यूज होते हैं, जैसे कंट्रोल सी है या कंट्रोल वी है या कंट्रोल एक्स है, आप लोग जानते हैं ना ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, कट एंड पेस्ट के लिए, राइट? तो ये सब नॉर्मली है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहां से कॉपी किया कंट्रोल वी, देखें यहाँ पे मेरा लोगो आ गया। ठीक है, इस लोगो को मैं छोटा कर देता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लोगो इस कार्ड के टॉप लेफ्ट, देख यहाँ पहुंच गया। ओके, ऑलराइट, ठीक है, और अब्दुल्ला जो था वो इधर आ गया, अल्लाह का बंदा। और अगर मैं डुप्लीकेट भी करूंगा, कंट्रोल डी इज फॉर डुप्लीकेट, राइट? ये हमने किया हुआ है ना यहाँ पे, ये डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो मैंने डुप्लीकेट किया तो ये पूरा ग्रुप डुप्लीकेट हो रहा है, देखें एक पूरा ग्रुप डुप्लीकेट हुआ। इसको मैं अन ग्रुप करके तो इसको कॉन्टैक्ट नंबर, राइट, कोई भी ऐसी है और भी इंफॉर्मेशन जो हम दे सकते हैं, वो अब हमने यहाँ पे सबसे नीचे राइट साइड पे रखनी है, तो हम कैसे रखेंगे, बॉटम राइट, ठीक हो गया जी, बॉटम राइट, जबरदस्त। अब ये सारा काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन हमने लगाई थी, ये लाइन किसने लगाई है, अच्छा तो ये जो लाइन मैंने लगाई थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखेंगे एक बिजनेस कार्ड की शेप में आ गया। अब ये बिजनेस कार्ड जब प्रिंट होगा तो इसके राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट टॉप पूरा एक ही वो चल रहा है, राइट? यानी हम इस मार्जिन के अंदर जब काम कर लेंगे तो ये मार्जिन एंड में डिलीट कर लेंगे, तो ये आपका एक बिजनेस कार्ड बन जाएगा। अब क्रिएटिविटी के लिए क्या है कि लोग क्या करते हैं, जस्ट एक रफ सा मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ लगाना हो बिजनेस कार्ड के, तो ये तो अब आपकी क्रिएटिविटी है ना। सो मेनली हमारा आज बेसिक उसका क्या था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि यार फेड छोड़ दो, अभी आपने कैसे किया वो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, तो हमने अभी मेन चीज क्या देखी कि ये टूल्स जिन जो हम इस्तेमाल करेंगे, इन टूल्स का इस्तेमाल किया है, बॉक्स है, राउंड है, ये टेक्स्ट एंटर करने के लिए है। इसके बाद आपके पास फ्री हैंड लाइन है, आपको फ्री हैंड लाइन बनानी है तो आप बना सकते हैं।
ठीक है, फ्री हैंड के अलावा अगर आप फ्री हैंड लाइन को स्ट्रेट भी बनाना चाहें, ये फ्री हैंड लाइनिंग के लिए है, लेकिन चूंकि ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो आप मुझे चूंकि ये नहीं पता कि कौन, अगर आप लोग कोई और टूल इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है ग्रुप में कौन कितने पानी में है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा ऑल बेसिक, ठीक हो गया जी अदनान साहब। तो हमने क्या किया कि ये हमने टूल्स देख लिए, फिर हमने ये देखा कि साइजेस यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं और कस्टम साइज यहाँ से कर सकते हैं, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है पोर्ट्रेट है यहाँ से कर सकते हैं, आपने सेंटीमीटर में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है, इंचेस में, मीटर्स में भी आप रख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे अभी आपके इलेक्शन शुरू हो जाएंगे अगर, तो आपको बहुत बड़े बड़े बैनर्स नजर आएंगे विच इज गोना बी डेफिनेटली इन मीटर्स, तो वो मीटर्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो बेसिक कुछ कमांड्स जो हैं वो ये देखी कि कंट्रोल डी क्या करता है, डुप्लीकेट कर देता है चीज को, पी सेंटर लाइन करता है, सी है दो प्रोडक्ट को सेंटर करने के लिए, ये दो प्रोडक्ट को इक्वल करने के लिए, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ग्रुप अनग्रुप कॉपी पेस्ट वगैरह सबके पास है, जूम और फुल व्यू, राइट? सो टिल हियर आई होप एवरीवन इज क्लियर। जबरदस्त। अब आप में से जिन लोगों के पास कोरल इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं फर्दर ऑन चलता रहूंगा, लेकिन अगर आपके पास कोरल इंस्टॉल नहीं है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन विच यू गाइस आर गोना टेक नाउ एंड देन आप सुबह उठ के उसको भूल जाओगे अनलेस आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग कि आप कैसे चीजें बना सकते हो, अगर आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको डाउनलोड करो और इसको फॉर द नेक्स्ट मीटिंग आप इसको हर बंदा अपना अपना बिजनेस कार्ड बना के ला सकता है। ठीक है, और वी विल टेक इट एज अ प्रोजेक्ट कि भाई हर बंदा अपना बिजनेस कार्ड बना के लाए और दो साइड्स बना के लाए, ये तो एक साइड है ना, नेम बता दें इसका नाम कोरल ड्रॉ है और मैं X8 यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब वो जो भी मिले X7 X4 X3 X11 ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो मशीन है वो कितनी पावरफुल है, तो आप किसी में भी बना सकते हैं, टूल्स ऑलमोस्ट सभी वर्जन्स के सेम है, जितने भी वर्जन्स हैं उनके सब टूल सेम है, दो साइड उसके लिए दो पेजेस सेलेक्ट करें, देखिए दो दो साइड है ना, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी A4 पेज सेलेक्ट कर लें, ये देखें A4 पेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसका साइज हम रखेंगे 9x5, ये तो बिजनेस कार्ड बहुत छोटा हो गया। अच्छा, वो पता क्यों छोटा हुआ, क्योंकि ये हमने मिलीमीटर्स रख दिया था, अभी हम सेंटीमीटर्स में वापस जाएंगे और इसको 9x5 ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस कार्ड साइज आ गया। ओके, आपको बैक साइड भी बनानी है तो इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से और इसको यहाँ रख लेंगे, तो ये आपको पास फ्रंट और बैक दोनों साइड्स आ गई, राइट सर? सॉफ्टवेयर की फाइल। ठीक है, आप इसके लिए अदनान साहब से रابطہ कर लें और मैं उनको जो है वो इसका एक क्रैक वर्जन जो है वो दे देता हूँ, तो सब लोग वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वो उसको अपलोड कर लेंगे, देन यू गाइस कैन डाउनलोड इट और उसके बाद जो है वो आप उसको इस्तेमाल करें। मसला ये है कि जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ये आपको बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको डेली यूज करेंगे, तो आप डे बाय डे आपकी चीजें ज्यादा होती जाएंगी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दिखा सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको फिलहाल उसकी समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें, ये स्क्रीन मैंने ये एक एक बोर्ड बनाया है,
जिसके अंदर इससे लाइट निकल रही है, उसका फ्रंट ब्लैक है और इसके जो बार्स हैं वो भी ब्लैक हैं। सो डेफिनेटली हम कुछ ऐसा बना रहे हैं। इन द एंड मुझे इसको बनाना क्या है कि ये एक साइन बोर्ड है जो कि इस तरह लगेगा, ऐसी तस्वीर आई थी हमारे पास, तो हमें इसको ड्रॉ करके तो इसमें चेंजिंग्स करनी है। तो ये सारी चेंजिंग्स या इस तरह की जो भी ड्राइंग्स आपको आती हैं वो सारी ड्राइंग्स हम कोरल ड्रॉ में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इट इज अ बेस्ट टूल फॉर गेटिंग थिंग्स डन वेरी क्विकली। और आप जो मैप्स बनाते हो वो भी कोरल ड्रॉ पे बड़े अच्छे बन सकते हैं। आप जो मतलब अगर आपकी ग्रिप अच्छी बैठ जाती है कोरल ड्रॉ के ऊपर, तो उसमें एंड एंड ऑफ द डे होगा क्या कि जब आप एक्सीड करोगे तो आप 3D डिजाइनिंग्स वगैरह में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आपके लिए ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। आप इससे मैप्स भी बना सकते हो, आप इससे जो है वो 3D के अपने ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बना सकते हो। जस्ट बेयर विद मी। तो आई होप आज के लिए अदांसा इतना ठीक है, और इफ यू गाइस वांट टू कंटिन्यू आई कैन, बट आई आई डोंट नो कि ये शायद सेशन 40 मिनट्स का होता है ना। जी बिल्कुल, एक्चुअली सेशन होता है हमारा 45 मिनट्स का, तो ऑलरेडी हम लोग जो है वो 10 मिनट एक्सीड कर गए, और मेरे ख्याल क्वेश्चन आंसर्स के लिए शायद और 2-3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। तो नो, इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल, और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है फॉर श्योर के इट्स अ ग्राउंड टू प्ले। टूल इंस्टॉल करें और जितना आप उसमें प्ले करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। एज राज साहब मेंशन के जी, प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। मजीद जो है वो आगे एक और सेशन रखेंगे जिससे हम आई थिंक पोस्टर कुछ और डिजाइन कर सकते हैं। बाय दैट टाइम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और विल बी मच बेटर, ठीक है। हाँ जी, इसको जितना आप प्रैक्टिस कर, देखें इस तरह बेसिकली मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन आपको जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है इट्स नॉट गोना बी ऑफ एनी यूज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, और अगर एनी कोई क्वेश्चंस क्वेश्चंस है तो एनीवन? वो आप मुझे बता सकते हैं। आगे इसकी और क्रैक फाइल मैं अदनान साहब आपको जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि लोग जो है वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और एवरीवन, राहत साहब जो है वो हमारे माशाल्लाह वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन मल्टीपल फील्ड, जैसे मैंने पहले बताया, और ये आपके एक टीचर हैं जो आगे भी आपसे टच बेस रहेंगे इंशाल्लाह। आगे ब्रांडिंग है, बाकी और हमारे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें भी ये इंशाल्लाह बड़ी इनकी इंपॉर्टेंट फीडबैक रहेगी, और ये सेशन लेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना बिजी हैं ये, और इनके वक्त का बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी जो है ना विल ट्राई टू पुल हिम इन, ठीक है। देखें जो मैं आपको कह रहा था ना कि आप अलाइनमेंट से क्या कर सकते हो, अगर आपको ये अलाइनमेंट बेसिक समझ आ गई तो जो मैंने आपको उधर शो किया था, ये देखें ये वही वही बोर्ड है जो मैं वहां डिजाइन कर रहा था। आप लोग देख रहे हो स्क्रीन को, ये वही बोर्ड है जो मैं वहां कोरल पे डिजाइन कर रहा था। तो आप जब भी किसी 3D उसमें जाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाना आसान है, आप बना के यहाँ पे इम्पोर्ट करके, सो इट बट इट टेक्स टाइम डेफिनेटली। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की इंशाल्लाह पाक समझ भी आ जाएगी, और द मोर यू प्रैक्टिस आप लोग जो है इंशाल्लाह और ग्रिप कर लेंगे इसके ऊपर। थैंक बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राज साहब वंस अगेन, ठीक है, यू और वेरी मच। व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैं शेयर कर लूंगा लोगों के साथ जो फाइल भेजेंगे, एंड विल गाइड पीपल एज वेल, ठीक है, अकॉर्डिंगली। श्योर श्योर आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस, तो मैं ख्याल अभी फिलहाल शायद नहीं होंगे, लेकिन जब ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो फिर आई थिंक बच्चों के काफी ज्यादा सवाल आएंगे, एंड आई थिंक आई आप एक फॉरवर्ड ग्रुप देम टू यू बना गाइस, दें ठीक है। जी, आप एक ग्रुप बना दें उसमें ये लोग सवाल करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसको जवाब भी देते रहेंगे। बिल्कुल, ओके जी, बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू टुमारो, ठीक है, जजाकुमुल्लाह खैर, राम राम। सलाम।